प्रेक्षक गण अभिभावकगण और उज्जवल भविष्य रूपी चमकते सितारे सितारे मेरे प्यारे दोस्तों, गणतंत्र दिवस की इस स्वर्णिम मेला पर मैं नीता और मैं कल्पिता पूरे बस संस्था के आओ से आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रख सकूं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज देश के प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि एक सम्मान और गौरव की बात है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी दिलवाई। आजादी के पश्चात हमारे देश दशकों को संजोया गया है। अम्बेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि सहित 284 सदस्य ने संविधान के सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अर्पित किया। हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के दोनों सुंदर विश्रम है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह एक लिखित संविधान है जिसमें दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया है। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, प्रगति और उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आजादी के पश्चात हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। परंतु आज भी हमारे देश गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इन समस्या से जूझ रहा है। यह आवश्यकता है हम सब देशवासियों को एकजुट होने की और इन समस्याओं से बाहर निकलने की। तो ज्यादा ज्यादा यह कहना चाहूंगी कि हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत